subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। सुबह के 5 बज गए फ्रेंड्स और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा में। गाइज, आज के हमारा शो है क्या पिक्यूलियर इंग्लिश, और मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ बहुत से यूनिक वर्ड, बहुत से पिक्यूलियर वर्ड्स। आज का हमारा पहला वर्ड है डार्क होर्स। ए डार्क होर्स का मतलब क्या होता है? कोई यू कैन से गहरा काला घोड़ा नहीं होता। ए डार्क होर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु कीप्स हिज एक्टिविटीज सीक्रेट। अगर कोई इंसान अपनी एक्टिविटीज को किसी को बताता नहीं है, चुपके चुपके से काम करता रहता है, ऐसे ऐसे पर्सन को ए डार्क होर्स कहा जाता है। न जाने कितनी बार एसएससी में या किसी दूसरे एग्जाम में ये इडियम्स आप लोगों से पूछा गया है। तो मीनिंग क्या हुआ? छुपा रुस्तम, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुपा रुस्तम, ए पर्सन हु कीप्स हिज एक्टिविटीज सीक्रेट। अगर मैं बोलूं यूसेज के बारे में बात करूं, यूसेज देखिए, अमित इज सच अ डार्क होर्स, आई हैड नो आइडिया। शी, यहाँ पे आपका यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप ही कर लेना। He had published a novel, ठीक है ना, यहाँ पे आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और ये डार्क होर्स, अ मिस्टीरियस पर्सन, एक आदमी जो अपनी एक्टिविटीज को किसी को बताता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ये डार्क होर्स बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डच करेज। डच करेज का मीनिंग क्या होता है? डच एक आपका यू कैन से अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज होती है, पीपल के लिए भी, उस कम्युनिटी के लिए भी यूज किया जाता है, यूरोपियन जो कम्युनिटी है। तो करेज का मतलब क्या होता है? ये ऐसा करेज होता है जब आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हो और उसके बाद जब आपको पता नहीं लग पाता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, वो जो करेज होता है उस करेज को क्या कहा जाता है? डच करेज कहा जाता है। धर्मेंद्र, मैंने बहुत मुश्किल से, मुझे ये लगा कि मैं कैसे समझाऊं, शोले मूवी में धर्मेंद्र जी यू कैन से दारू को चढ़ा के और चढ़ जाते हैं यू कैन से उस बिल्डिंग के ऊपर और फिर वहां से अपने सारे दिल की बात को बोलते हैं। तो वो जो करेज उनके अंदर आया था वो क्या कहते हैं? डच करेज। धर्मेंद्र गॉट द डच करेज इन शोले। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से मुझे एक लाइक ठोक दीजिए। डच करेज का मीनिंग क्या हो गया? ए करेज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिंकिंग। जब आप शराब पी के, एल्कोहल पी के, जब जो एनर्जी आपके अंदर आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको डच करेज बोलते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है गाइज, और वो है आपके सामने डबल डच। ये भी डच के ऊपर ही है। डबल डच का मीनिंग होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? डबल डच बोलते हैं। जैसे मनमोहन सिंह स्पीच वॉज अ डबल डच फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये कोई स्पीच है, अगर मैं नीचे, ये आपको समझ में आ रहा है, दे डू नॉट फील अ थिंग हियर, नीचे देखोगे थ्वागे दुओगो एनविगो एनवी फील, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो आप लोग बोल लोगे सर व्हाट इज इट, ये तो इट्स अ डबल डच फॉर मी। आप इस तरह से यूज कर सकते हो। कई बार बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी स्पीच देते हैं, आप लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो बोल क्या रहा है, ऐसी ऐसी स्पीच को क्या बोलते हैं? डबल डच बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों के तीनों वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो जल्दी से इनको शेयर कर दीजिए और पूरे इंडिया में फैला दीजिए, ठीक है गाइज। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए। और मैं कल फिर 5 बजे आपके सामने आ जाऊंगा ऐसे ही कुछ खूबसूरत से वर्ड लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।